रात्रि संगीत महोत्सव में। अगली प्रस्तुति पद्मश्री से अलंकृत पंडित राजेश्वर आचार्य जी का जल तरंग वादन। पूज्य भाई श्री से निवेदन करती हूँ कि अपने शुभ हाथों से हम सब की ओर से उनका अभिनंदन करें, परस्पर स्नेह सम्मान और कृतज्ञता का आदान प्रदान करें। पद्मश्री अलंकरण बड़ा हो सकता है, लेकिन आपका व्यक्तित्व उससे भी कहीं ज़्यादा बड़ा है। पंडित राजेश्वर आचार्य जी, आपको हम नमन करते हैं। मंच पर पंडित नंद किशोर मिश्रा जी, जो एकेडमी अवार्ड से अभी ही सम्मानित हुए हैं, और तानपुरे पर गुरु जी की पुत्रवधु और स्वयं कुशल गायिका सुश्री शिवानी शुक्ला आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। आदरणीय सामाजिक वृंद, शब्द तो बहुत सुने हैं लेकिन अर्थ प्रसंगवत कभी कभी लगता है। स्वानुभूत्येकमानाय नमः शांताय तेजसे, किताब में पढ़ा है। रामम रमेशम भजे, उसे भदेनी मोहल्ले में जन्म लेने का अवसर मिला है, जहाँ पर महात्मा तुलसीदास जी महाराज विचरण करते थे। मृण्मय का हिरण्मय होना और फिर चिन्मय की ओर जाना, ये क्रम तो सुना है लेकिन होता कैसे है? बाबा तुलसीदास जी ने उसके परम मर्मज्ञ विद्वान सामने बैठे हैं, इसलिए मेरे वचनों को तोतली तोतर बहना ही समझिएगा। मैं कहीं से ज्ञान नहीं, खाली अपनी भावनाएं अर्पित कर रहा हूँ। बड़ा सरल मार्ग बताया है, बिगरी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज। तो क्या करना होगा? हो ही राम को नाम जप, तुलसी तज कुसुम आज। दिन भर न जाने कहाँ कहाँ जाना पड़ता है, कितना झूठ सच करना पड़ता है। तो किसी चीज को करने के लिए रोकने से अच्छा है किसी अच्छी चीज पे ध्यान दिला दें। तो जालान परिवार ने जो सुसमाज निर्मित किया है, और मेरे लिए तो बहुत है कि हाथी अपने सर पर धूल क्यों फेंकता है। तो कहा कि जही पदरज मुनि पत्नी तरी तही ढूंढत गजराज। मेरे लिए बड़े सौभाग्य का विषय है सत्ता और शासन से सम्मान मिलना और संत का आशीर्वाद मिलना, दोनों अलग है। इसलिए यह जीवन के क्रम में जो बहुत समास वाली गुत्थियाँ पड़ी रहती हैं, उसे इसे महनीय व्यास लोग अपनी व्याख्या से सुलझाते हैं। इसके पहले भी एक बार दर्शन का लाभ मुझे मिला था, माननीय नाद ब्रह्मलीन किशन महाराज जी के ऊपर कुछ बोलने के लिए मैं आया था, तब भी ऐसा प्रवर का मुझे आशीर्वाद मिला था। और वैदिक परंपरा में इस वाद्य का नाम है उदक वाद्य, स्वर तोय इत्यादि। हर पात्र शब्द गुणम आकाशम की दृष्टि से ध्वनि को आत्मसात करता है। यह पात्र जो ध्वनि लेकर निर्मित हुआ है, स्थान घेरा है उसने, उस पर पानी डालने से दो स्वर उतरता है।
और हर बार ये अवतरित होता है, वाद्य पूरा बनाना पड़ता है, इसलिए कलाकार लोग झंझट समझते हैं और सरकार और सत्ता इसकी महत्ता को नहीं समझती। सिरेमिक्स को जितने हाई टेम्परेचर पर ला के बॉल्स बनाए जाते हैं वो आप नहीं बन रहे हैं, इसीलिए छोटे छोटे प्रोग्राम मैंने 21 रुपए में कभी ख़रीदा था, आज 2100 में भी एक प्याला नहीं मिल रहा है। भारत सरकार से निवेदन किया कि इसमें विलुप्त हो जाएगा, वेदों में इसका उल्लेख है। भारत भवन में इसका डॉक्यूमेंटेशन हुआ, 135 करोड़ के देश में कुल 9 आदमी बजाने वाले हैं, जिसमें से एक मैं भी हूँ। तानपुरे का तुम्बा खाली होता है, शून्य होता है, तभी उसमें कुछ भरता है अगर पहले से भरा रहेगा। इसीलिए डरता हूँ कि इस जन्म में 78 वर्ष की उम्र तक तो अहंकार से बच गया हूँ, और उसकी एक ही काट है कि संतों का आशीर्वाद मिलता रहे। सत्संगति ही कथा किम न करोति पुंसाम। मुझे कोई चाह नहीं है सबसे बड़ा कहलाने के लिए, मैं सबसे छोटा रहूं, गिलहरी के समान रहूं, जिसमें राम जी भी हाथ लगा दें। इसलिए आप सब मुझे आशीर्वाद दें, और यत्किंचित इन पात्रों ने जो ध्वनि को आत्मसात किया है वो आपके सामने, ये ताल वाद्य है, इनको अभी एकेडमी पुरस्कार मिला है, ललित को भी मिला है, और इन्हीं के बहाने मुझे भी रत्न पुरस्कार मिल गया, क्योंकि ये साथ ना दे तो कुछ नहीं होता। मैं आलाप करने वाला जीव हूँ, मुझे प्रलाप नहीं करना चाहिए, लेकिन महाराज जी को देख के कुछ शब्द मेरे स्तुति के फूटे, और वो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, पैदा होते ही आदमी विलाप करता है, वो मैं भी कर सकता हूँ। बच्चा बने रहने में बड़ा कुछ भी कर दीजिए आप तो लोग संभाल लेते हैं, बड़े होने के बाद बहुत कुछ ध्यान रखना पड़ता है। मैं आजीवन बड़ा होना नहीं चाहता। राग मालकोश और ये ताल वाद्य है मूलतया, इसलिए नंदकिशोर जी इसमें ताल के विविध क्रीड़ा कलाप करते रहें, उसके लिए मैं आधार दूंगा। और इसके पूर्व कुछ पाने के लिए भगीरथ प्रयास करना पड़ता है, और मुझे ज़बरदस्ती खींच के भगीरथ ही लाए थे दुर्गा जी के मंदिर में। मैंने कहा था कि मैं समर्पित हूँ, द्रुपद मेले के लिए अनुपस्थित नहीं होता, तो उन्होंने कहा कि शिवरात्रि के बाद आइएगा, तो मैंने कहा ठीक है। फिर कहा, हमें पता चला अमेरिका में है, मैं वचनबद्ध हो चुका था, अभी भी भाग के आया हूँ, कार्यक्रम के बाद तुरंत जाना है। 4 साल बाद भाई जी गोल्डन जुबली उसकी स्वर्ण जयंती हो जाएगी, और चाहता हूँ कि उसकी स्वर्ण जयंती देख लूँ। महाराज ने वचन दिया है कि शताब्दी होगी, और मेरी मनोकामना है कि मैं रहूं न रहूं, शताब्दी वर्ष की पूर्ति में आप जरूर आइएगा।
एक छोटी सी बंदिश, गोपियां यदि किसी से सबसे ज्यादा चिढ़ती थीं तो मुरली से चिढ़ती थीं। तो बड़ी गाली दी है गोपियों ने, बैरी कोली कोयलिया रार करे है, बैरी मुरलिया रार करे है, सुर प्रभाव रंग हृदय हरे है, बैरी मुरलिया रार करे है, जूठा मुख उर विवर भरे है, तेरा मुंह जूठा है, तेरे कलेजे में छेद ही छेद है, अधर धरे को मान करे है, बैरी मुरलिया रार करे है। शायद सुन चुके होंगे बगेरे जी। फिर उसके बाद एक गीत के पंडित प्रवर छन्नूलाल जी और उनके शिष्य ने खेले मसाने में होरी दिगंबर, इस दिगंबर के बारे में बहुत सी उक्तियां हैं कि चंद्रमा से अमृत, तो वो छाला जो थे मृगशाला उनका पहना, वो जीवित हो गया और भाग गया और वो निर्वस्त्र हो गए। लेकिन काशी में इसके लिए अलग, यहाँ मातृशक्ति भी विराजमान है, बड़े से बड़ा बुद्धिजीवी विद्वान हो एक जगह जाके वो बड़ा दीनहीन हो जाता है। कोहबर ऐसा है कि जहाँ महिलाओं का राज्य होता है, एक बालक ले जा सकते हैं आप, उसके अलावा कुछ नहीं, वहाँ अकेले ही झेलना है आपको। ये तुम्हारे कुल खानदान के कुल देवता हैं, इसकी पूजा करो, गाना सुनाओ, नाचो, पर किसी तरह से वहाँ भागने की स्थिति रहती है। शिवरात्रि के दिन विवाह हुआ, बेचारे शंकर जी का जन्मदिन दिवस नहीं मनाया जाता, अनंत हैं तो अनादि भी हैं, विवाह दिवस मनाया जाता है। और फिर रंगभरी एकादशी के दिन उनका गवना होता है। अंत में इत्थम उस दिन पकड़ में आते हैं भोले बाबा, उनके सामने बड़ी भारी समस्या खड़ी होती है जब महिलाएं कहती हैं कि तीसरी आंख खोलो, हमें काजल लगाना है। शिव शंभु ये प्रलयंकारी दृष्टि खुल जाएगी तो क्या हुआ कि मैंने अपने विवाह में पूरी सृष्टि को फूंक दिया। ये दो चार पंक्तियां इसकी मैं सुनाऊंगा। मेरा गला काम नहीं देगा, हाँ पहले वो सुना कि ये दोनों बज कर वगैरह, अगर हमारी आवाज गड़बड़ाई तो तुम उत्तरदायी होगे क्योंकि अचानक गाने के लिए कहा सुन रहे। Murali,
प्रभाव सुर प्रभाव रंग हृदय हर झूठा मोक झूठा 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 मोक और विवर भर बरे मुरलिया झूठा मोक बोर विवर भरे अधर धरे को अधर धरे को झूठा मुख और विवर भरे झूठा मुख झूठा मुख और विवर भरे अधर धरे को मान करे अधर धर 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 अधर धर को मान करे मेरी मुरलिया मेरी मुरलिया लर करे भाई खोजते खोजते आ गए मोहन श्याम जी हमारे द्रुपद मेला के गौरव हैं ये लोग बस बोले जाते ससुराल में दुल्हा सजावा गोरिया ससुराल में दुल्हा सजावा गोरिया तीसरी अखियाओं में तीसरी अखियाओं में कजरा लगावा गोरिया तीसरी अखियाओं में कजरा लगावा गोरिया इनके कोहबर में पहुंचावा खूब मन बहलावा इनके कोहबर में पहुंचावा खूब मन बहलावा तनी प्रेम रस भर नगावा गोरिया प्रेम रस भर नगावा पंचामृत से नगैल अभिषेक खूब पौल देख पान धतूरा देख पान धतूरा अमृत पावा गोरिया ससुराल में दुल्हा सजावा गोरिया ससुराल में दुल्हा सजावा गोरिया
तिसरी अखिया में, तिसरी अखिया में कजरा लगावा गोरिया, तिसरी अखिया में कजरा लगावा गोरिया, तिसरी अखिया में कजरा लगावा गोरिया, अखिया में कजरा लगावा गोरिया, अखिया में कजरा लगावा इनके डमरू में मस्ती, इनके डमरू में मस्ती ऐसा कोनो नहीं हस्ती, इनके डमरू में मस्ती ऐसा कोनो नहीं हस्ती, देख कालक ताल, देख कालक ताल नच बाबा गोरिया, देख कालक ताल नच बाबा गोरिया, देख कालक ताल नच बाबा गोरिया। जैसा कि कोहबर में है चिढ़ाते भी हैं, सब पहन के इतरावे, सब पहन के इतरावे इनंगे पूजावे, सब पहन के इतरावे नंग पूजावे, देख भांग धतूरा अमृत बाबा गोरिया, देख भांग धतूरा अमृत बाबा गोरिया। उसके बाद खींचतान होती है, मृगशाला खुल जाती है, क्योंकि स्मशान में महिला वर्ग नहीं जाता, इसलिए भोले बाबा सीधे पहुँचे वहाँ जहाँ की याद करके हमारे पद्म विभूषण गाते हैं, और आज इन्होंने भी गाया खेले मसाने में होली। ये इसके पूर्व की गाथा है। मुझे भय लग रहा था कि कहीं गुप्त गंगा भगीरथ लाने पे तुल न जाए, अन्यथा मैं तैयारी करके आया था, इसलिए आज इतना ही समाप्त। उनतीसवें शिवरात्रि संगीत महोत्सव की प्रथम दिशा में हमारा ये कार्यक्रम जो हमारी आज की विराम प्रस्तुति था, जल तरंग वादन और तत्पश्चात गायन प्रस्तुत किया पंडित राजेश्वर आचार्य जी ने। आपके साथ संगत तबले पर पंडित नंद किशोर मिश्र और तानपुरे पर श्रीमती शिवानी शुक्ला आचार्य।